बस गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। दोस्तों, अहमदाबाद में आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया से ड्रेसिंग रूम में मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। टीम इंडिया के खिलाड़ी हार के बाद ड्रेसिंग रूम में बेहद ही निराश दिखाई दे रहे थे। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान कहा कि देशवासी आपको देख रहे हैं, हौसला रखें। पीएम मोदी ने कहा, एक दूसरे को हिम्मत देते रहिए। वहीं उन्होंने सभी खिलाड़ियों को दिल्ली आने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की हार के बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों से बातचीत की। इस दौरान निराश टीम इंडिया को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को हिम्मत दी। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे थे। वहीं अब पीएम मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिसे लोग उनका कैमरा प्रेम बताते हुए शेयर कर रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है। इस पर रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, कमबख्त कैमरामैन ड्रेसिंग रूम में भी पीछा नहीं छोड़ता, ड्रेसिंग रूम तो प्राइवेट स्पेस है। वहीं एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, सबसे वफादार कैमरामैन ही है, सुख दुख ड्रेसिंग रूम मंदिर के गर्भगृह कहीं भी साथ नहीं छोड़ता। वहीं कन्हैया कुमार ने कहा, जबरदस्ती गले पड़ने और पड़वाने की कला कोई मोदी से सीखे। वहीं इस पर विक्रम नाम के यूजर लिखते हैं, नौटंकी करने की पुरानी आदत है। दोस्तों, मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री को आप सब ने हंसते खिलखिलाते और अपना कैमरा प्रेम दिखाते देखा। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि टीम इंडिया के हार के बावजूद भी पीएम मोदी बाज नहीं आए और खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम जैसे प्राइवेट स्पेस पर भी कैमरामैन को लेकर पहुंच गए। आप सबको क्या लगता है, क्या एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की हरकत शोभा देती है? अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।